आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि IRCTC की मेन वेबसाइट से आप अपना पहला टिकट कैसे बुक कर सकते हैं और कौन कौन सी सावधानियां आप रख के टिकट को बुक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और लॉगिन सबसे पहले करेंगे। लॉगिन करने के लिए मैंने आपको पहले प्रोसेस बता दिया है, जिसका आई लिंक में बटन दिया गया है, आप वहां से वीडियो जाके देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद हम सबसे पहले ट्रेन को सर्च करेंगे। ट्रेन सर्च करने के लिए यहाँ पे हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे, जहाँ से आपको जाना है और जहाँ तक जाना है उसके लिए हम टू में इंटर करेंगे। टू में इंटर करने के बाद हम यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे और डेट सिलेक्ट करने के बाद आल क्लासेस ही रहने देते हैं, या आप अपने क्लास से भी चूज़ कर लेते हैं, कर सकते हैं। जैसे आपको 3AC में जाना है, 2AC में जाना है या स्लीपर में जाना है, तो वहाँ से भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम करके उसके बाद फाइंड कर लेते हैं ट्रेन को। यहाँ से ट्रेन फाइंड हो चुकी है, उसके बाद हम चेक अवेलेबिलिटी फेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा बुक नाउ का। जैसे यहाँ पे बुक करने के लिए आपको बुक नाउ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे, ओके करेंगे। ओके करते ही आपके सामने एक पैसेंजर डिटेल का पेज आएगा, जिसमें आपको पैसेंजर की डिटेल फिल करनी होगी, जिसके लिए आपको नाम, एज, जेंडर और पैसेंजर प्रेफरेंस भरना होगा। चलिए हम यहाँ पे भर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऐड पैसेंजर का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा है पैसेंजर या आपकी कोई फैमिली है तो वहाँ पे आप नाम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने जो एक नीचे ऑप्शन आया होगा, ट्रैवलिंग विथ ए चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स एज, अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो वहाँ पे क्लिक करके आप उसे चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप कर दीजिए। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप कराना चाहते हैं, जो कि सिर्फ 0.49 पैसे में है, तो आप यस कर दें, अदरवाइज नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पैसेंजर का पूरा एड्रेस फिल करना होगा हमें। चलिए हम यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे पिन नंबर दे लेंगे, सिलेक्ट सिटी कर लेंगे और पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करके फिर हम पैसेंजर का मोबाइल नंबर इंटर करेंगे यहाँ पर। इसके बाद पेमेंट का मेथड चूज़ करेंगे, जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या IRCTC का वैलेट यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर उस पर डॉट पर क्लिक करेंगे, या अपने आप भीम UPI से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने पैसेंजर की पूरी डिटेल आ जाएगी। डिटेल पूरी चेक करने के बाद आपको यहाँ से फिर कैप्चा फिल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे। चलिए हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही फिर आपके सामने पेमेंट का मेथड आ जाएगा, जहाँ से मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आप वैलेट से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे मोबाइल पे एक OTP जाएगा, जो कि OTP कंफर्म करना होगा और OTP इंटर करने के बाद टिकट आपका बुक हो जाएगा। बुक होने के बाद रिडायरेक्ट होकर आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसके लिए हम प्रिंट पे क्लिक करके आप अपना टिकट प्रिंट कर सकते हैं, या यहाँ से नीचे जाएंगे उसके बाद आप PDF में भी सेव इसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।